चालू है। हाँ सो हेलो गाइस, सो वी एक्सएलटी के में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज 129। तो और वेलकम, लेकिन उससे टेक न्यूज भी आज है तो वही है ऑब्वियसली। तो एनीवेज दोस्तों, आज के टेक न्यूज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल को बजाइए ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी टेक न्यूज नंबर 129। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मुझे आपको बतानी, मैंने उस दिन कहा था, मतलब जिस दिन परसों के दिन आई थिंक सो यस, कि भाई मैं इंस्टा पे पोल्स करने वाला हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे जाके वोट डाल के बता सकते हो। लेकिन क्यों नहीं आप लोग आए? अच्छा दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मेरा आईडी जो है उसको, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिएगा, पोल में वोट डालिएगा और मैं रोज़ आपको रिजल्ट्स टेक न्यूज़ में देता रहूँगा। और आप सोच रहे हो मैं इतना बौखलाया हुआ क्यों हूँ, मतलब इतनी तेज तेज क्यों बोल रहा हूँ? यार मैं चार बार रिकॉर्ड करके रखा हूँ भाई, चार बार। एक बार क्या हुआ, एक बार मेरा माइक ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा माइक के बिना करते, तो माइक के बिना किया, मेरा भाई चिल्लाने लगा। एनीवेज, और तीसरी बार किया तो पता नहीं क्या हुआ था, शेक ही हो गया पूरा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो सीधा मतलब डिलीट ही हो गया, तो लाइक जो स्टोरेज होता है वो भी ख़त्म हो गया, वो वीडियो शेक ही था। तो अब फोर्थ टाइम, आई होप कि आप मेरी टेक न्यूज़ देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो कमेंट में बताओ कि भाई देख रहे हो। तो अब स्टार्ट करें हमारी टेक न्यूज़। चलिए पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर सैमसंग से। जी हाँ, सैमसंग ने दोस्तों आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना गैलेक्सी M51। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है वो आज सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 6GB RAM 128GB की स्टोरेज और 8GB RAM 128GB की स्टोरेज। और जो 6GB RAM 128GB का प्राइस है दोस्तों वो है 24999। जी हाँ, और जो 8GB RAM 128GB की स्टोरेज का प्राइस है वो है दोस्तों 27999। जी हाँ, और लेकिन अगर आप उसमें HDFC का कार्ड को लगाते हो तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 2000 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से 6128 जो है वो आपको अच्छा रहेगा ख़रीदने के लिए, मतलब 2000 का डिस्काउंट मिलेगा तो 23000 इफेक्टिव प्राइस आपको मिल जाएगी। बात यह है कि भाई सबके पास नहीं होते HDFC के कार्ड, मेरे पास भी नहीं। एनीवेज दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए अंडर 25000, खरीद लो इस फ़ोन को, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई सैमसंग ने हमारी सुनी, प्रोसेसर पे काम किया और स्नैपड्रैगन का 730G हमें दे दिया, और साथ में आपको इसमें 6.67 इंचज़ की एक फुल HD+ की सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, 60Hz वाली ही है और बहुत ही बढ़िया है। 7000mAh की बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता है, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, मतलब 64 12 प्लस 5 प्लस 5 वाला जो है, दो 5 एक मैक्रो एक डेप्थ, तो अच्छा किया कि 5 दिया, वरना 2 देते तो मैं ड्यूअल कैमरा बोलता। तो इंटरेस्ट रहेगा, गो इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। चलिए और साथ में अगला खबर यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स ने एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया मलेशिया में, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि हॉट सीरीज़ जो उनकी इन्फिनिक्स हॉट सीरीज़, नोट नहीं हॉट सीरीज़, उसका दोस्तों हॉट 10 आने वाला है। जी हाँ, और उन्होंने अगर प्राइस भी दिखाई है 2XXXXX। जी हाँ, मतलब देखते हैं प्राइस क्या होती है। 20000 आपको लग रहा होगा इंडिया में, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उधर की प्राइस होती है, और बाहर की प्राइस जो इंडिया से ज़्यादा ही होती है हर बार, आप नोटिस करना। देखते हैं क्या होता है इन्फिनिक्स क्या करता है, और इसमें आपको हीलियो G70 प्रोसेसर भी मिलेगा, उन्होंने मेंशन किया, लेट्स सी क्या होता है, थोड़े टाइम में बता दूंगा। चलिए और साथ के अगले खबर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों आईकू की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईकू का एक बजट फ़ोन बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला, इनफैक्ट सितंबर में ही इटसेल्फ लॉन्च हो जाएगा, जो कि अंडर बताया जा रहा है कि 20000 हो सकता है, मतलब 20 to 25000 वो बजट नहीं होता, बट देखते क्या होता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यार रियलमी का जो V3 है और V5 है और जो रेडमी का नोट 10 सीरीज अपकमिंग चाइना में जाने वाली है, उनके साथ कम्पीट करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स सी कब आता है ये, तो जब आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन मैं आईकू इंडिया को एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई आईकू इंडिया अब आईकू 3 लॉन्च कर दिया और बैठ गया आराम से कि भाई वी आर द चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन ब्रांड, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा है, लेकिन यार थोड़ा अच्छे स्मार्टफोन्स लाइए, मतलब
मतलब लाइक चाइना में आप कैसे 855 प्लस या फिर 855 वाला 20,000 के अंदर लाते हो, 20 युआन, मतलब 200 युआन, मतलब 20,000 इंडिया में। तो यार ऐसा कीजिए कुछ ताकि हमें भी अच्छा लगे, हम आपके फ़ोन्स ख़रीदें। और हमें तो पता है आप वीवो के ही सब ब्रांड है, तो फिर हमें सर्विस स्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइए चलिए उस बात का देखना खबर क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों। मोटरोला या फिर मोटा भाई की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, मोटरोला रेजर 5G, ये जो स्मार्टफोन है वो यूरोप कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुका, मतलब यूरोप में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस है, अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो 2,15,000, 2,15,000 का ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है। और 5G है, 765G का प्रोसेसर मिल जाएगा और 2,800 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग या फिर 18 वाट का, ठीक है बैटरी छोटी है तो फटाफट चार्ज भी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आता है इंडिया में। वैसे आप क्या इंटरेस्टेड हो फोल्डेबल फोन्स के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। चलो सबसे अगले बन गया यहाँ पर दोस्तों, One UI 3.0 जो कि सैमसंग का UI है उसका दोस्तों, अब सैमसंग ने इवेंट बता दिया है कमिंग सून, तो बहुत ही जल्दी आ रहा है One UI 3.0। और बताया जा रहा है कि काफ़ी सिक्योरिटी में आपको जो है वो ध्यान दिया गया है सैमसंग की तरफ से, और बहुत ही जल्दी हर एक मतलब जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं, पहले बताया जा रहा है कि नोट सीरीज़ में, उसके बाद S सीरीज़ में, और उसके बाद जो बाकी के फोन है उसमें। अब वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आप में से कोई एक बंदा या फिर आप जितने भी लोग हो उनमें से कोई एक सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करता है, मतलब आप हो कोई भी हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कौन सा यूज़ करते हो वो भी बताना, मतलब कैसा चलता है मुझे जानना है एक्चुअली सैमसंग के फ़ोन, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं हैंग हो जाते हैं। पुराने किस्से हैं कि भाई फिर सैमसंग सबसे ज़्यादा माना जाता था ब्लास्ट फ़ोन्स में, मतलब ब्लास्ट हो जाते थे सैमसंग के फ़ोन्स, हैंग करने लगते थे आफ्टर 5-6 मंथ्स के बाद। जानना है मुझे तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आज का क्वेश्चन, जो लोग सैमसंग यूज़र हैं। चलो सर का अगला खबर क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, पबजी मोबाइल की तरफ से, जी हाँ दोस्तों पबजी अब एक इंडियन पार्टनर ढूंढ रहा है, मतलब इंडिया का कंपनी कोई भी ढूंढ रहा है जो कि उसके साथ में पार्टनरशिप करके एक नया पबजी इंडिया के लिए लाएगा। जी हाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है, बट मुझे डर है कि माइक्रोमैक्स कूद ना जाए, क्योंकि माइक्रोमैक्स की आदत है खुद को कुछ करना है नहीं, दूसरों के अंदर कूदना है, उसके साथ कुछ ला के बना देना है और दे देना है उनको। सब मत कुछ बट यार मुझे मतलब मैं प्रे करता हूँ भाई जियो के साथ जुट जाए पबजी, फिर तो पबजी भाई कहीं नहीं जाएगा, कहीं के कहीं भी नहीं जाएगा। वैसे आप एक्साइटेड हो इस पबजी के लिए, मतलब बहुत ही जल्दी आ सकता है ऐसा बताया जा रहा है। अगर वो अनबैन होने नहीं देगी गवर्नमेंट या फिर इंडिया का मतलब हाँ इंडियन गवर्नमेंट, तो फिर वो लोग नई पबजी बना के, इंडियन पबजी बना के आपको दे देंगे। इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी कब आता है तो थोड़े टाइम में पता चलेगा। चलो अगले खबर क्या यहाँ पर दोस्तों, 4G गेम, जी हाँ ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई आफ्टर पबजी बैन। जी हाँ मतलब और मतलब 4G गेम है दोस्तों, इनके जो मतलब एनकोर गेम्स के CEO है उनसे बात किया, इंटरव्यू था उनके साथ किसी का तो था, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि हम पबजी का क्लोन नहीं बना रहे हैं, इट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू गेम। और उन्होंने ये भी कहा कि पहला जो उसका स्टेज होगा, लेवल होगा, वो गलवान वैली का जो किस्सा था ना उसके ऊपर बेस्ड होगा, किस्सा नहीं था रियल था, हाँ तो वही बेस्ड होगा। इंटरेस्टिंग है। एंड उन्होंने कहा कि हम बैटल रॉयल नहीं लाने वाले हैं जब आएगा गेम, तब हम मतलब यूजर्स के फीडबैक पर डिपेंड करेंगे, मतलब बोलेंगे भाई लाओ 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 तो लाएंगे, मतलब अगर आप बोलोगे भाई चलेगा ऐसी ठीक है तो फिर आपको बैटल रॉयल नहीं। मुझे थोड़ा बुरा लगा बट अच्छा लगा कि भाई पबजी का कॉपी नहीं कर रहे, इंडियन गेम अलग से ला रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा झंडे ऊंचे करने का मन कर रहा है, बट देखते हैं क्या होता है, ये तो हमें थोड़े टाइम ही पता चलेगा। वैसे बताया जा रहा है कि अक्टूबर एंड में ये आ सकता है। चलिए दोस्तों रियलमी, जी हाँ रियलमी का UI 2.0 या फिर रियलमी UI 2.0, ये दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको रियलमी के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि
X50 Pro जो है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 मिलेगा आपको रियलमी यू आई 2.0। हाँ तो रियलमी का जो X50 Pro है 5G वो दोस्तों उसको बीटा मिलना चालू हो चुका है। मतलब अगर आपको बीटा अगर आपके हाथ में आई मीन आपके पास में रियलमी का X50 Pro है तो फिर आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, क्योंकि मतलब बीटा है तो ठीक है, इतना भी कोई रिस्क नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि भाई फ़ोन रीबिक मतलब ब्रिक ना हो जाए वगैरह वगैरह। लेट्स सी जल्दी ही रियलमी यू आई 2.0 आने वाला है। वैसे मैंने एक वीडियो देखा, बहुत ही कमाल के फीचर्स है, मैं उसका नाम नहीं मैं उनका मतलब जिन्होंने वीडियो बनाया मैं उनका नाम नहीं ले सकता, सॉरी। इंटरेस्टेड हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कोई रियलमी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। क्या आपको पता है कि दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग इंडिया आई मीन वर्ल्ड में सबसे पहले कब आई थी? आपको लग रहा होगा अभी थोड़े 10 साल पहले, ना 1999 में दोस्तों ये एक सेगा कास्ट करके गेम थी जो कि 8-bit कंसोल पे बेस्ड थी। ये पहली ऑनलाइन गेम थी। अब कैसी थी वो मुझे नहीं पता, पबजी जैसी तो नहीं थी। तो आज के डेट में मैं जो मेरे पास आज के डेट पसंद आएगी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और कल से आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप भी इरिटेट नहीं होगे, मैं भी इरिटेट नहीं होऊंगा, आप नहीं होते मैं होता हूँ। तो इन्हें दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और जाओ यार इंस्टाग्राम पे पोल्स डालता हूँ, चाहिए फटाफट से वोट बताइए। बाय।